ग्वालियर के श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल के साथ ही देश के 16 एयरपोर्ट का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं प्रदेश के इतिहास में भी ये दिन एक गौरवशाली दिवस के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े टर्मिनल का शुभारंभ यहां किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 16 महीने के रिकॉर्ड समय में इस एयरपोर्ट को बनाकर तैयार किया गया है, यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज यानी 10 मार्च को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधव सिंधिया की जयंती भी है। इस दिन उनकी मां के नाम पर इस एयरपोर्ट का उद्घाटन अपने आप में ऐतिहासिक है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। बोलना चाहता हूं, हमने शुरुआत की थी 29 एकड़ की छोटी जमीन सिविल एनक्लेव की। मैं नरेंद्र सिंह जी के पास गया, मैंने कहा कि आलू संसाधन का हमारा केंद्र यहाँ है, वहां से जमीन हमें दीजिए। अब कल्पना करो, 29 एकड़ की जमीन थी, ये एयरपोर्ट बना है 144 एकड़ की जमीन पर, मेरे भाई और बहनों। और देखो इतिहास जो हमने रचा है, आपने रचा है, मोहन यादव जी ने रचा है, सभी ने साथ में मिलकर रचा है। देश में पहला एयरपोर्ट बना जो 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया, और 16 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज लोकार्पण किया जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, 75 वर्ष के इतिहास में सबसे कम समय में बना हुआ एयरपोर्ट आपका ग्वालियर का एयरपोर्ट है। मेरे भाई और बहनों, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया विमानतल के लोकार्पण के अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल जी, हमारे अपने यशस्वी नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय सिंधिया जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, लगातार प्रवास के कारण मेरा गला थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी बात कम शब्दों में और कम समय में ही पूरा करना है, लेकिन सबका भाव भी है और मेरी भूमिका भी है। पूरा मंच सबको प्रणाम करते हुए जोरदार तालियां बजाएं समूचे अतिथियों के लिए। और आज का दिन कई कारणों से बहुत विशेष है। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी के नाम पर यह नया विमानतल का अपने आप में लोकार्पण, यह हमारे समृद्ध विरासत के साथ वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का बदलता भारत और बदलते भारत में बदलते राज्य के अंदर के विकास के नए कीर्तिमान और कीर्तिमान में नया प्रतिमान का इतिहास गढ़ता यह विमानतल है। यह अपने आप में उदाहरण है। जितना इसका गौरवशाली इतिहास ग्वालियर का है, उतनी कलात्मकता के साथ अंदर की सारी एक एक चीजों पर जो काम किया गया है वो वाकई अद्भुत है। एक बार जोरदार ताली बजाए इस नाते से कि राजमाता जी के जीवन का जो उनने अपने जीवन की एक धारा बनाई थी, जो उनका व्यक्तित्व था, उसके आधार पर और आज एक और सुखद संयोग है, विकास के मामले में स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का भी नाम पूरे देश में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। एक बार उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं।